फिल्म जरा हटके जरा बचके का प्रमोशन फिल्म अभिनेता विकी कौशल और सारा अली खान राजमंदिर पहुंचे। राजमंदिर में हुआ तेरे वास्ते गाना रिलीज। विकी कौशल ने कहा कि मुझे राजस्थान बहुत पसंद है। धर्मों को लेकर रिलीजन को लेकर काफी कट्टरता है। उस दौर में आप केदारनाथ भी जाती हैं, गणपति जी के भी दर्शन करती हैं और कुछ दिनों बाद अजमेर में जियारत भी करने जाती हैं, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो धर्म को लेकर हेट्रेड फैलाते हैं या फिर किस तरह से देखते हैं आप धर्म? देखिए, ये मेरा निजी मामला है। मेरी मान्यता है वो मेरे लिए है और मैं अपने काम को लेकर बहुत सीरियस होती हूँ, तो भले ही वो ऑडियंस हो या मीडिया हो, अगर आपको मेरे काम को लेकर कोई भी सवाल है मुझसे, अगर मेरा काम किसी को पसंद नहीं आए तो शायद मुझे बुरा लगेगा, शायद मैं उसका एक्सप्लेनेशन देने लगूंगी, लेकिन ऐसी बातों का एक्सप्लेनेशन मैं क्यों दूँ? ये मेरी बात है ना, तो ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती लोग अगर कुछ बुरा भला बोले, कोई बात नहीं। तो हमने कई साल पहले एड फिल्म की थी गूगल की, जिसमें वो कैमरा मैन थे और तभी से हम एक दूसरे के साथ काम करना चाह रहे थे। तब उन्होंने बस एक मराठी फिल्म डायरेक्ट की थी और उन्होंने हिंदी फिल्में शुरू करने वाले थे अपनी जर्नी, और दिनेश विजय साहब के साथ भी कई बार डिस्कशन हुई कई प्रोजेक्ट पे कि काम करते हैं साथ में, पर मामला बैठा नहीं। आई थिंक हम सबके नसीब में यही फिल्म थी कि जरा हटके जरा बचके जब आएगी तो हम सब साथ में जुड़ पाएंगे, बट ये हमारी प्लानिंग बहुत टाइम से थी कि हम साथ में पिक्चर कर पाए। और लक्ष्मण सर की भी मतलब मैं आई एम रियली फॉन्ड ऑफ हिम एज अ पर्सन, बिकॉज उनकी भी जो जर्नी रही है वो बहुत मतलब वो महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव से है, फिर वो बॉम्बे आए, बॉम्बे में भी आपको पता नहीं होगा पर वो उनके फिल्मी दौर शुरू होने से पहले वो शिवाजी पार्क में बड़ा पाव का एक ठेला था उनका, तो वो बड़ा पाव बनाया करते थे और बेचा करते थे, फिर जाके उन्होंने फिल्मों में रुचि थी तो कैमरामैन बने, डायरेक्टर हैं, तो उनकी जिंदगी ऐसी रही है कि जब वो ऐसे मिडिल क्लास स्टोरीज बताते हैं और जो सिंपल सी एक बात होती है उसमें एक प्यारी सी कुछ एक कहानी निकाल के लेके आते हैं, वो उन्होंने वो कहानियां जी हुई है, तो जब कोई डायरेक्टर वो कहानी जी कर दर्शाना चाहता है तो मुझे लगता है वो काफी सच्चाई से आती है बात, तो इसी वजह से मतलब मैं तो चाह रहा था बहुत टाइम से कि लक्ष्मण सर से हो पाए।